संभल में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल के विवादित बोल, भाजपा विधायक के स्वागत समारोह में लगाई विवादित वाइनों की झड़ी, कहा राम मंदिर बनकर रहेगा, प्यार से बनेगा, लाठी से बनेगा, नहीं तो गोली से बनेगा। साथ जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर कोई अधिकारी रिश्वत लेते हैं तो बराबर में गंगा जी है, उसको उसके अंदर डलवा देंगे। और यदि उसने गलती करी तो फिर उसी गलती का परिणाम यह होगा, इसी क्षेत्र से बाहर नहीं, बराबर में गंगा जी है, फिर गंगा जी बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार क्षेत्र में हो रहा था और पूरे जिले में कहता हमारी गंगा माता कभी जल सड़ता नहीं, ये हमारी परंपरा है। उस गंगा माता के अंदर क्या हो रहा था पिछले दिनों में, उस गंगा माता को प्रदर्शन करने का काम लगातार सांप्रदायिक ताकतें, लगातार राष्ट्रीय ताकतें हमारी गौ माता को काटकर उसके अंदर भागकर खून भागकर उस गंगा माता को प्रदूषित करने का काम लगातार चढ़ रहा था। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की धरती पर हमारी जमीनी माता, जिस माँ के घर से हम सभी लोगों ने जन्म लिया है, उस माँ के साथ भी छेड़खानी की घटनाएं या बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी प्रकार से हमारी गौ माता, जिस गौ माता के अंदर करोड़ों देवी देवता बास करते हैं, जिस गौ माता का दूध अमृत रूपी दूध है, उसी गौ माता का कटान लगातार उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा था। हमारी भारत माता, जिस भारत माता की गर्व से पैदा होता है, उस अन्न को खाकर हम सब लोग जीवन यापन कर रहे थे। भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतें, जो राष्ट्रीय ताकतें लगातार सर उठा रही थी और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको टुकड़े करना चाहती थी, इस रूप में हरे हरे झंडे लगाकर मिली पाकिस्तान के रूप। आला हाईकमान से आदेश का इन नेताओं को डर नहीं है। गुन्नौर विधानसभा के बबराला में भाजपा विधायक अजीत कुमार के लिए स्वागत समारोह रखा गया था, उसी दौरान विवादित बयानों की झड़ी लगी। तो भारत बनने जा रहा है, ऐसा माननीय मोदी जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का वह सपना है, वह पूरा होने वाला है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, हमें भारतीय जनता पार्टी में कोई रोक नहीं है, किसी को हम रोक नहीं रहे कि साहब हमें शामिल कर लो, हम रुक नहीं रहे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का ये स्वच्छ अभियान शुरू होगा, ऐसे हमारे माननीय अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं पूरे जिले के अंदर, ऐसे कार्यकर्ता को सूची बना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जब समय आएगा तो हम ऐसे कार्यकर्ता को शामिल करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किसानों के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, व्यापारी के हित में लगातार काम कर रही है, काम करती रहेगी। पर तो लोगों के मन में सपना है कि मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा। अरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं उन लोगों से, अरे भाइयों, मंदिर बनेगा बड़े प्यार के साथ, बहुत प्यार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वार्ता करिए, दोनों पक्षों की वार्ता चल रही है, दोनों पक्षों की वार्ता होगी, प्यार के साथ मंदिर बनेगा, और प्यार के साथ नहीं बनेगा तो लाठी से बनेगा, और लाठी से नहीं बनेगा तो गोली से बनेगा, तो गोली से बनेगा। राम मंदिर तो उत्तर प्रदेश के अंदर बनेगा।